मुझे भोगा दीजिए। अतः उसी समय यमराज ने कहा गिर जाओ, और गिरते ही राजा ने देखा कि मैं गिरगिट बन गया हूं। और उसके बाद वही राजा को भगवान ने उद्धार किया गिरगिट जोड़ी से, और उस समय फिर राजा अपने स्वर्ग को प्राप्त हो गए, उत्तम लोगों को चले गए। बोलिए थे वृंदावन। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो मठ मंदिर की संपत्ति लेने में भी चकते नहीं है, साधु संतों के धन लेने में नहीं चकते, ब्राह्मणों का धन लेने में नहीं चकते। ऐसा भी थोड़ा चर्चा सुन लीजिए किस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, खूब ध्यान से सुनना। राजा गिरिजा जब चले गए तो ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देव की रंजन भगवान श्री कृष्ण ने अन्य वर्णों को शिक्षा देने के लिए कुछ बातें कही। क्या कहे भगवान? जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी ब्राह्मणों का, साधुओं का, गौ का, मठ का, देवालय का, शिवालय का एक रत्ती भी धन पचाने में समर्थ नहीं है। कहते हैं फिर भी जो अभिमान वर्ष झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, तो राजा तो पचा ही जा सकते हैं। कहते हैं मैं हलाहल किसको भी नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि मैं हलाहल किसको भी नहीं मानता, उसकी चिकित्सा हो सकती है, लेकिन मठ मंदिर देवालय को सारा ब्राह्मणों का साधुओं का धन उद्देश्य से भी खिसैला है जो फुट फुट के मारेगी और कई पीढ़ियों का नाश कर देगी धन। कहते हैं वह सारे कुल को समूल नष्ट कर देगी, इसलिए कभी भी इन जगहों का एक मिट्टी भी उठा कर रहा है अपने घर में, एक मिट्टी का टुकड़ा मिलाते हो तो आपको तबाह कर देगा। कहते हैं ब्राह्मण साधु गौ धर्म पृथ्वी गौशाला देवालय शिवालय की पूरी कि अगर यहां से कुछ लेना है तो जब तक वहां का दाता आपको अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से दे नहीं देता और बिना मांगे आप ले लिए या बिना उसके दिए ले लिए, तो आप भोगने वाले उसके लड़के और उसके पौत्र तीन पीढ़ियों का नाश करता है, तीन पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके ले लिया गया तब तो दस पीढ़ियों का, जैसे जबरदस्ती ले लिया। हाँ, जैसे मान लिया शिव जी का मंदिर है, रामनंद जी का मंदिर है, और कोई कहे कि हमार, जैसे ही कहा हमार वह उसको दोष लग जाता है। तो वो कभी भी मठ मंदिर को जो दान दे दिया एक बार भूल के भी मत कहना कि मेरा है, क्योंकि तो दे दिया, जो दे दिया उस पर अधिकार नहीं है, वो आपका नहीं रह गया। एक बार देने की प्रतिज्ञा कर दिए, चाहे आपके चाहे आपके पूर्वज कर दिए, आप फिर जैसे ही कहे कि मेरा, उसी में अपराध के भागी हो जाते हैं। कहते हैं और वो दस पीढ़ियों को नष्ट करेगा, इसलिए भूल के भी ऐसा न कहना। और जो मूर्ख राजा अपने राजलक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर ब्राह्मणों का साधुओं का धन हड़पना चाहता है, समझना चाहिए कि वे जान बुझ कर नरक जाने का रास्ता साफ कर रहा है, वो रास्ते में झाड़ू लगा रहे नरक के रास्ते में, और वे देखते नहीं पूरे अदा पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जीव उदार हृदय और बहु कुटुंबी ब्राह्मणों की प्रति छीन ले जाती है, जो ब्राह्मण की कोई जीविका छीन ले। कहते हैं अब जो ब्राह्मण रोएगा उसकी आंख की बूंद जितने धरती पर गिरेगी, उसकी आंख की बूंद जितने धरती पर गिरेगी और उससे जितने धूलिकण भीगेंगे उतने वर्षों तक वह कुंभी पाखंड का निवास करेगा। कहते हैं जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की साधुओं की दिवालियों की गोशालाओं की आजीविका का हरण कर लेता है, धन का हरण कर लेता है, वे 60,000 वर्ष तक
विष्ठा का कीड़ा होता है, विष्ठा का समझते हैं जी, पैखाना का कीड़ा, जो साधु संत ब्राह्मण गौशाला देवालय शिवालय का धर्म ले लेते हैं, तो 7000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होते हैं। सोचो, एक बार की बात है, नारद जी मृत्यु लोक में घूमने चले आए, और यही महीना था मार्चिस महीना, धान की कटनी हो रही थी। एक जगह नारद जी ने देखा कि बड़ी सुंदर धान लगा है, नारद जी ने एक बारिश रोक लिया, खींच लिया और धान को मिस करने से फिर भूमि पर डाल दिया, देख के अरे बड़ी सुंदर है। जब अपने स्वर्ग को जाने लगे तो उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया गया, स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया गया। तब नारद जी ने पूछा कि मैं नारद भगवान का भक्त, मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा क्यों बंद हो गया। इस पर वहां अंदर से आवाज आई कि हे नारद, तुमने जिस किसान के मेहनत के खून पसीने के कमाई भूमि में बिखेर दिया है, अतः उसमें 12 दाने थे, अतः 12 दाने के बदले तुम्हें 12 वर्षों तक मृत्यु लोक में जाकर उसका नौकर बन कराना होगा। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ, तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, 12 दाने के बदले 12 वर्ष का नौकर बनना पड़ेगा। नारद जी कहे ठीक है, अब तो भोगना ही पड़ेगा कर्म किए। तो नारद जी आ गए और वो किसान तब तक फसल काट चुका था अपना, गरीब आदमी था। नारद जी आकर कहते हैं कि सुनो ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप नौकर रख लो। किसान कहता है कि मैं तो खुद ही नौकर हूँ, मैं तो खुद ही गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, बटाई बोता हूँ, किसी तरह अपना पेट भरता हूँ, मैं क्या नौकर रखूंगा। तब उसके बाद नारद जी कहते हैं कि मैं पैसा नहीं लूंगा, सिर्फ 2 बार मुझे खिला देना, सिर्फ 2 बार मुझे खिला देना, उसी पर मैं रह जाऊंगा। उसने सोचा कि चलो भाई, फोकर का नौकर मिल गया, इससे बढ़िया क्या बात होगी, हैं? पैसा देने पर तो नौकर मिलता ही नहीं आजकल। फिर नारद जी को रख लिया, रात को दे दिया कि देखो धान काटा गया है, कोई चोर ना चुरा ले जाए, इसकी रखवाली करना। तो नारद जी कहे ठीक है। नारद जी रखवाली कर रहे थे रात में, देखे गया कि बहुत से चोर आए और धान जो है पांजा के पांजा पर बांध बांध के, हाँ, और गठर में बांधने लगे, रस्सियों पर बांधने लगे और उठाने लगे। तो नारद जी जोर से ठकाकर हंसे। चोरों ने कहा कि अरे कुछ है क्या यहाँ पर? नारद जी ने कहा कि हाँ मैं हूँ। चोरों ने गठरी रख दिया, धान का पूछ रख दिया, कहा कि ये बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? तो बोला कि बस यही हंस रहे थे। नहीं नहीं बताओ क्यों हंस रहे थे? तो नारद जी बोले कि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मैंने इस किसान के 12 धान के बीज को निचोड़ के धरती पर फेंक दिया, तो मुझे स्वर्ग जाने से रोक दिया गया। मैं भगवान का भक्त नारद हूँ और मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, और तुम लोग जो बोझा का बोझा उठा रहे हो, इसी पर मुझे हंसी आ गई कि तुम लोगों की फिर क्या गति होगी। जब 12 जाने में मेरी ये गति हुई तो तुम लोग बोझे के बोझे लेके जा रहे हो, तो तुम लोग कहाँ जाओगे? अब तो सारे के सारे चोर एकदम पकड़ आ गए, गरीब बाप तो बड़ी लगती है। नारद जी के पैरों पर गिर गए और क्षमा मांगा कि प्रभु हमें ज्ञान नहीं था, आज से हम चोरी नहीं करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मैं साधुओं को, ब्राह्मणों को, गौ को, पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ, उसी तरह तुम लोग भी मेरी आज्ञा लगाकर इनकी आज्ञा का पालन करना। कहते हैं जो राजा ब्राह्मणों का धन छीन लेता है वो अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, मृत्यु के बाद भी वो दूसरों को कष्ट देने वाला सांप होता है। जो साधु संतों का, ब्राह्मणों का धन छीन लेता है, मरने के बाद सांप होता है, तो दूसरे को कष्ट नहीं देगा। इस तरह से मैंने संक्षेप से कुछ बातें बताई, इसलिए भूल कर भी कहीं मत मंदिर मठ का जमीन मत लेना, वहां का कोई वस्तु घर में मत ले जाना, वहां कभी भी कोई अनिष्ट काम मत करना, अन्यथा कुल सहित बर्बाद हो जाओगे। तो कि आपके किसी पूर्वज ने या किसी व्यक्ति को दान में दिया है और दान दी हुई वस्तु भी ग्रहण करोगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जीवन है बेकार, अरे जीवन है बेकार।